कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से अपनी दशा और दिशा दोनों बदलने की कोशिश में है। सभी कांग्रेस नेता जोर शोर से ये बताने में लगे हुए हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से देश की आम जनता का मन बदल रहा है, लेकिन यात्रा जिस दिन से शुरू हुई है तभी से इसके साथ कई विवाद जुड़ चुके हैं। अब इस यात्रा को लगभग 2 महीने पूरे होने को हैं, पर कांग्रेस नेता जैसे बखान कर रहे हैं वैसा कुछ फिलहाल जमीन पर होता हुआ दिख नहीं रहा है। यही कारण है कि बीजेपी भी अब कांग्रेस पर हमलावर है और मौका मिलते ही भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस दोनों को रेल दे रही है। बीजेपी के फायरब्रांड नेता तेजस्वी सूर्या ने भारत जोड़ो यात्रा की धज्जियां उड़ाते हुए कांग्रेस के पुराने पाप फिर से याद दिला दिए। कर्नाटक में सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, इसका पूरा काला चिट्ठा सामने रख दिया। तेजस्वी सूर्या ने भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि इस यात्रा से कांग्रेस की नैया पार नहीं लगने वाली है, कांग्रेस पूरे देश में लुप्त होने की कगार पर है। तेजस्वी ने आगे कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा को बहुत करीब से फॉलो कर रहा हूं। कांग्रेस की ये यात्रा नॉन स्टार्टर है। राहुल गांधी ने इस यात्रा के तहत कर्नाटक में 20 से ज्यादा दिन गुजारे। वह जहां जहां गए वहां वहां कांग्रेस का पतन देखा जा रहा है। उन्होंने हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य में हमारी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि सिद्धरमैया जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लोकायुक्त को डिसमेंटल कर दिया था, एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया जिसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताया। कांग्रेस की लेगेसी खुद भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और तुष्टिकरण की राजनीति से भरी हुई है। कांग्रेस जब राज्य में सत्ता में थी तो उन्होंने जेल में बंद पीएफआई और एसडीवाई के कई एक्टिविस्ट्स को रिहा कर दिया था। इससे राज्य में शांति और सौहार्द का माहौल चरमरा गया था। वहीं तेजस्वी के इन आरोपों के बाद कांग्रेस बौखला गई और प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी के आरोपों को भ्रामक बता दिया। कांग्रेस नेता दिनेश गुंडूराव ने कहा कि तेजस्वी झूठी और भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। पार्टी ने कब और कितने पीएफआई एक्टिविस्ट को रिहा किया, हमें उसकी लिस्ट दीजिए। हमने इनकी सरकार से सूची मांगी थी, हमें बताएं कि कितने पीएफआई एक्टिविस्ट को रिहा किया गया, लेकिन इन्होंने चुप्पी साध ली। गुंडूराव ने कहा कि सच्चाई ये है कि बीजेपी का रवैया बहुत तानाशाही भरा रहा है। कर्नाटक एक अथॉरिटेरियन स्टेट है, बीजेपी सभी राजनीतिक दलों को नष्ट करना चाहती है। ये मीडिया, सरकारी संस्थानों, ईडी, सीबीआई को कंट्रोल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सभी भ्रष्ट नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उन्हें सीबीआई, ईडी से संरक्षण मिल गया है, जबकि विरोधियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।